नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। आज के इस वीडियो में हम खास रूप से खांसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि खांसी सिर्फ कफ सिरप से कब तक ठीक की जा सकती है और कब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्य जी। डॉक्टर साहब, खांसी एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। मतलब खांसी आएगी, कफ सिरप लेंगे दिन में 2 बार और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी है। लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि खांसी सिर्फ कफ सिरप से नहीं जाती है, ये कब समझा जाए, कब अलार्मिंग साइंस देखे खांसी में कि लोग डॉक्टर के पास पहुँचे। वेरी बहुत सही। ये आम जनता के लिए बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है सौम्या जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रश्न उठाया। खांसी सबसे कॉमन समस्या, इसे मैं आप ठंड में देखेंगे कि हर अल्टरनेट आदमी कुछ कहीं ना कहीं हल्का फुल्का खांस रहा है। तो ये तो बहुत एक सिंपल खांसी हो सकती है जिसको किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होगा, चाहे कोई भी लोकल इरिटेंट अगर जाएगा तो एक कफ रिफ्लेक्स है शरीर का, उसको बाहर खाने के लिए खांसता है। लेकिन खांसी गंभीर कब होता है? खांसी सिर्फ खांसी नहीं रहता है, खांसी की वजह से अगर मान लीजिए टीबी की खांसी होती है, कैंसर की खांसी होती है, निमोनिया की खांसी होती है, हार्ट डिजीज की खांसी होती है, गैस्ट्राइटिस में जिसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें खांसी होती है। अब आप पूछेंगे कि जब खांसी इतना ज़्यादा है कैसे हम समझें कि किस खांसी पर तवज्जो देना है और किसको इग्नोर करना है? तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपका खांसी 1-2-3 दिन का है तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, और ख़ास करके जब आपकी उम्र 40 या 50 के ऊपर नहीं है। तो अगर ठंड का मौसम है, 1-2 दिन की वजह से खांसी है, हो सकता है ये कोल्ड वायरस की वजह से हो, चाहे उसमें इन्फ्लुएंजा हो, फ्लू हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, किसी वजह से खांसी हो सकती है। लेकिन जैसा आपने देखा कि कोविड काल में खांसी एक खतरे का कहने के संकेत लेके आता था, कई आदमी इससे परेशान हो जाते थे, जहाँ खांसी हुई कोविड हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में खांसी होगी। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि खांसी जैसे ही 2 वीक के ऊपर जाए इसको कभी भी हल्के से न लें। 2 सप्ताह के ऊपर की खांसी में आप ज़रूर जाँच करा लें। और खांसी 2 तरह की होती है, एक तो ड्राई कफ हो गया, तो ड्राई कफ में जिसमें कोई बलगम नहीं आता है, दूसरा वेट कफ हुआ जिसमें आपको बलगम निकलता है। तो दोनों के अलग अलग ये हैं, इसलिए कई बार हमने देखा है कि एक मरीज आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनकी उम्र करीब करीब 60 साल थी, वो जैसा कि आपने कहा वो खांसी थे, 15 दिन से खांसी थे, खांसी का सिरप ले रहे थे, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, वो दिखाने हैं, मैं कहा कि आप 15 दिन की खांसी है, एक्सरे करा लीजिए, वो मुकर गए। अच्छा, एक्सरे क्या जरूरत है, खांसी ले रहे हैं, हल्का फुल्का खांसी तो सबको होता है। और जब उनके फैमिली के प्रेशर पर एक्सरे हुआ सौम्या जी, तो मैं आपको बताऊं कि उसमें लंग कैंसर निकला। तो एक मामूली खांसी से वो व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित समझ रहा था, मतलब कह रहा था कि खांसी की कोई उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह खांसी कभी कैंसर भी हो सकता है, हल्का सा भी उसे संदेह भी नहीं हो रहा था, वो अपना खांसी का सिरप लिया, कहा कि हर साल ठंडा में हमको होता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ओल्ड एज है, 15 दिन के ऊपर की खांसी है, तो ज़रूर इसको गंभीरता से लें। अगर आप जवान भी हैं और 15 दिन की खांसी है तो ज़रूर इसको गंभीरता से लें। अगर खांसी के साथ हल्का सा भी 1 या 2 बूंद खून आ जाए तो कभी भी इसको हल्के से न लें कि हल्का सा सिरप ले लिया और आप निश्चिंत हो गए, डॉक्टर के यहाँ जाने से गुरेज किए। खांसी के खून आना बहुत सिंपल भी हो सकता है, कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन खून आना एक खतरे का आप यूँ कह लें कि पहले से एक फोरवार्निंग हो जाता है खून आने से कि आप ये कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, ब्रोंकोइक्टेसिस भी हो सकता है। और एक सबसे जरूरी चीज़ मैं कह रहा था कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें आपको ढकार आता है, बार बार लगता है, पेट फूला हुआ है, जलन हो रहा है, कोई गरिश चीज़ खाए तो लग रहा है कि मुँह से निकल जाएगा, तो रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में भी खांसी होती है, तो उसमें कोई खांसी के सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अगर आप सिर्फ आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहते हैं, गैस मतलब जो गैस्ट्राइटिस की दवाई आप दे दें, रिफ्लक्स की दवाई दे दें, खांसी अपने आप कम हो जाती है। तो ये सारे सब स्पेक्ट्रम है, इसके कई एक आयाम है इसके खांसी के जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके डॉक्टर साहब से और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमें उसके बारे में मेल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।